एम अभिषेक, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 जो कि है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो आज एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 का फर्स्ट और सेकंड देखेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए। 6 का फर्स्ट कर रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन इन द फिगर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट फिगर में यह दिया हुआ। ए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला फिगर है। तो देखिए यहाँ पर क्या समझिएगा, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। एबीसीडी इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ए एक ट्राइंगल ए, लेकिन इसका जो साइड दिया। और एक चीज जानिएगा, यह 90 डिग्री का जो सामने वाला जो होता है क्रस्पॉन्डिंग साइड, वो हमें हमेशा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। इज इट क्लियर, हाइपोटेनस कहलाता है। ये वाला भी 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये क्रस्पॉन्डिंग साइड हाइपोटेनस कहलाएगा। इज इट क्लियर, आप देखिएगा ध्यान से। अगर इसमें क्या दिया हुआ कि इसमें ए दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये साइड दिया हुआ 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। और अगर हम इसको अगर पाइथागोरस से निकाल दे, ये वाला साइड मीन बीडी को निकाल दे, तो आसानी से इस पूरे ट्राइंगल का निकल जाएगा, पूरे ट्राइंगल का साइड निकल जाएगा। और जब इसका साइड निकलेगा तो इसका भी साइड निकल जाएगा। तो हमें क्या निकालना, एरिया आसानी से गेन कर सकते हैं। एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं आसानी से। तो देखिए इसे सोल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये निकालना है, बीडी निकालना है साइड। तो यहां पर चलेंगे सोल्यूशन, क्या करेंगे दोस्तों समझिएगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें चलेंगे ध्यान से देखिएगा, बी सी डी। आप सोचोगे कि हम इसमें क्यों नहीं चल सकते हैं, आप डायरेक्ट स्टार्ट से इसमें क्यों चल रहे हो, क्योंकि इसमें दो साइड दिया हुआ, तीसरा साइड आसानी से गेन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ही साइड दिया हुआ इस ट्राइंगल में, तो हम ये कैसे निकाल पाएंगे, पाइथागोरस भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे इन ट्राइंगल बी सी डी में चलेंगे, बी सी डी में देखिएगा, बी सी डी में इसमें आप क्या कर सकते हो, आप जनरली पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े हो कि एच स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनस है, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही जानते हो ना। देखते हैं तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर अगर मैं मान लू इसको क्या कर सकता हूं, सी डी को, सी डी का स्क्वायर इक्वल यहां पर क्या कर सकते हो, बी डी का स्क्वायर प्लस यहां पर लिख सकते हो बीसी का स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये कैसे हुआ सो समझिएगा। यहां पर सी डी का स्क्वायर इक्वल बीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये कैसे हुआ, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हुआ, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, इज इट क्लियर, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो सी डी देखे तो कितना दिया हो, 17 का स्क्वायर, ठीक है रख देता हूं। इक्वल टू बी डी कितना दिया हुआ, बी डी नहीं दिया हुआ, एज इट इज मैं लिख देता हूं, ए हो गया प्लस बी सी का, तो बी सी 8 दिया हुआ, यानी कि 8 का स्क्वायर। इज क्लियर, आप देखिएगा ध्यान से समझिएगा यहां पर दोस्तों, यहां पर 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। बी डी तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि यही तो फाइंड आउट करना है यहां पे, 8 का स्क्वायर 64, क्लियर ना। आप देखिएगा ध्यान से यहां पर मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसके बाद फर्दर आगे सोल्यूशन कर रहा हूं, 289 इक्वल बी डी का स्क्वायर, यहां पर देखिएगा बी डी का स्क्वायर प्लस 64। अब देखिएगा 289 माइनस 64, यहां पर क्या करेंगे, ये आपका 64 देखिएगा सब्ट्रैक्ट में आ गया, एड में था तो सब्ट्रैक्ट में आ गया, इधर आ गया तो इक्वल टू से, ठीक है, ये आपको इस तरह से हुआ। अब यहां पर क्या कर सकते हो, सिंपल सा करेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ये 2 रहेगा, यानी कि जो BD इक्वल BD का स्क्वायर यहां पर कर सकते हैं, स्क्वायर है तो रूट में लाएंगे, 225 इक्वल टू BD का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, BD हो जाएगा, ठीक है। यहां पर सिंपल सा इस तरह से गेन हुआ। आप देखिए रूट 225 किसका होता है, 15 का होता है, यानी कि आपको यहां से क्या प्राप्त हो गया, BD प्राप्त हुआ 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर BD कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर यहां से गेन हो गया,
क्या हुआ, बीडी यहां से 15 सेंटीमीटर गेन हो गया, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर आ गया। इज इट क्लियर? अब जब ये देखे तो अब इस ट्राइंगल को आसानी से निकाला जा सकता है, ये साइड दो साइड पता चला, तीसरा साइड आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहां तो सिर्फ बीडी हमें फाइंड आउट किया, आप देखिए यहां पर क्या निकालेंगे, हम इस ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी में चलेंगे। इज इट क्लियर? ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में। अभी मैं क्या चला, बी सी डी में चला, तो इसका साइड पता चला, ठीक है, ये वाला साइड एब्सेंट था उसको निकाले, अब इसमें चलेंगे, तो इसका भी सेम यूजिंग करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज कर देता हूं, क्लियर ना, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो देखिए तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम क्या बताएं कि जो 90 डिग्री का करस्पॉन्डिंग साइड होता है, जो सामने वाला करस्पॉन्डिंग साइड, उसी को हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता, हाइपोटेनस, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यूज कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे बीडी का स्क्वायर, यहां पर देखिएगा बीडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एडी का स्क्वायर प्लस यहां पर लिख सकते हो एबी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बीडी क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए बीडी अभी तुरंत निकाले 15, यानी कि 15 का स्क्वायर इक्वल टू एडी, एडी देखिए तो यहां पर दिया हुआ एडी 9 का होल स्क्वायर प्लस एबी, एबी तो हमें फाइंड आउट करना है यहां से साइड, तो यह आ जाएगा 225। इज इट क्लियर? 225 इक्वल 81 प्लस एबी का होल स्क्वायर। आप देखिएगा ध्यान से, यहां से आया 225 माइनस 81 इक्वल टू एबी का होल स्क्वायर। आप सब ट्रैक करिए, यहां पर देखिएगा कितना जगह, ये आपका 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से यहां पर 12 में से 8 जाएगा, यहां पर 12 में से कितना बचेगा 4 बचेगा ए, तो यानी कि 144 आ रहा है, यानी क्या स्क्वायर है तो आप देखिए रूट में जाएगा, यहां पर स्क्वायर है तो रूट में जाएगा इक्वल टू ए बी, यानी कि जो यहां से प्राप्त क्या हुआ, ए बी बराबर गेन हुआ, सो समझिएगा ए बी बराबर क्या गेन हुआ दोस्तों, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ए बी क्या यहां से निकल कर आया, 12 सेंटीमीटर गेन हुआ, ए बी जो हुआ 12 सेंटीमीटर यहां से गेन हो गया, क्लियर ना, ए बी जो है 12 सेंटीमीटर आसानी से हमें गेन हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना एरिया क्वाड्रेटर, मीन ए बी सी डी का एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकलेगा, काफी आसान है एरिया निकालना। अब हम ये दोनों का ट्राइंगल का अगर एरिया निकाल देते हैं तो इसका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना, देखिए एरिया क्वाड्रेटर निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे, सो शॉर्ट फॉर्म में अब करेंगे यहां पर नौ, अब यहां पर सिंपल सा क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां पर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ ए बी सी डी का, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे सिंपल सा एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे सिंपल सा किसका, ए बी सी डी का, बी सी डी का प्लस, अगर ये दोनों का एरिया निकालकर हम प्लस कर दे तो आराम से निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, देखिए ध्यान से एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर कर सकते हो सेकेंड में ए बी डी का। अगर मैं क्या बोला कि अगर ये इसका एरिया निकाल दिया जाए, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकालकर अगर ऐड किया जाए तो आंसर आसानी से हमें गेन हो जाएगा, क्लियर ना, और यहां पर और भी क्या पूरी तरह मिस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया निकल जाएगा, यही ना है, आसान सा है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल वे में हम रख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी का क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन एक चीज आप लोग समझिएगा, यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री दिया हो तो 1/2 बेस इनटू हाइट यूज कर सकते हैं आसानी से फॉर्मूला। इज इट क्लियर? और अगर एक चीज और, अब यहां पर देखे तो बेस और हाइट दिया ही हुआ है तो हमें ये आपको यूज नहीं कर सकते, हीरोन फॉर्मूला को यूज करने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हो 1/2
बेस कितना देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर बेस अगर आपको देखा जाए, लेकिन थोड़ा सा ये समझिएगा, यहाँ पर मैं जल्दी में लिख दिया हूं थोड़ा इसका ट्राइंगल का, देखिए तो इस ट्राइंगल बीसीडी का, तो बीसीडी का इसका बेस क्या हो जाएगा, ये आपका बेस बीसी हो जाएगा इनटू हाइट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बीडी, ये आपका बीडी हाइट हो जाएगा इसका, इज इट क्लियर, बी और डी हाइट हो जाएगा बीडी। अब देखिएगा प्लस वन बाई टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का, एबीडी का तो बेस हो जाएगा हमारा ये एबी हो जाएगा, बेस एबी, हाइट क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइट आपका एडी हो जाएगा एडी, इज इट क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा वन बाई टू इन टू बीसी, बीसी देखिएगा तो बीसी, तो बीसी हमारा एट दिया हुआ इन टू, इसके बाद बीडी, तो बीडी क्या दिया हुआ फिफ्टीन दिया हुआ, क्लियर ना, बीडी क्या दिया हुआ बीडी फिफ्टीन, वन बाई टू। अब इसके में देखेंगे एबी, तो एबी देखिएगा तो एबी ट्वेल्व दिया हुआ इन टू ट्वेल्व, और उसके बाद एटी, एडी क्या दिया हुआ नाइन दिया हुआ, ये आपको यहां से कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैंसिल करेंगे, टू फोर जा एट, और देखिए टू सिक्स जा ट्वेल्व, ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया फोर इंटू फिफ्टीन प्लस यहां पर क्या है सिक्स इंटू नाइन, तो यह आ जाएगा सिक्सटी प्लस यहां पर आ जाएगा फिफ्टी फोर, यानी कि अगर फाइनल देखा जाए, फाइनल क्या निकल कर आया सो समझेगा, फोर हो जाएगा, और यहां पर देखिएगा ये आपका सिक्स ऑफ फाइव इलेवन, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, यानी कि 114 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। यहां से यह पहला क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट आंसर हुआ, क्या हुआ है सिक्स का फर्स्ट, मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा आप लोग का समझ में आ जाए। यहां से मैं क्या निकाला दोस्तों, ये आपका यहां से क्या आया, पूरी तरह से हमें गेन हुआ, क्या गेन हुआ, इसका एरिया गेन हुआ, इसका एरिया गेन हुआ, देखिए ए बी सी डी का एरिया क्वाड्रेटर का, ठीक है, ये आपका यहां से आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट का। नाउ हम लोग अब सेकेंड करेंगे, नौ तो आप क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स का सेकंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड देखिए क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इन द गिवन फिगर। देखिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सिक्स का सेकंड है, अभी मैं फर्स्ट किया आप सेकंड करेंगे, तो फिगर दिया हुआ ट्रेपेजियम का पी क्यू आर एस, ये आपका पी क्यू आर एस क्या है ट्रेपेजियम है, इसी का आपको एरिया गेन करना है, तो एरिया कैसे, जो कि दिया हुआ पीटी दिया हुआ एट सेंटीमीटर, एसआर दिया हुआ एट सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्यूटी दिया हुआ एट सेंटीमीटर, और आर क्यूआर दिया हुआ सेवेंटी सेंटीमीटर, और आपके जैसे को दिख रहा है फिगर में ये तो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये लाइन आरटी जो ड्रॉ किया गया इस तरह से, ठीक है, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसका एरिया निकालने के लिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह पता लगाना होगा कि ये रिटेंगल है या स्क्वायर, ये पता लगाना होगा, ठीक है ना, तो कैसे पता लगेगा, अगर मैं ये वाला साइड को फाइंड आउट कर दूं तो पता लग जाएगा कि ये रिटेंगल है ये फिगर या स्क्वायर है, इज इट क्लियर। तो मैं सबसे पहले इसमें निकालूंगा, और एक चीज और, ये 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड होता है जो हाइपोटेनस कहलाता है, इज इट क्लियर, हाइपोटेनस कहलाता, और यहां पर देख सकते हो ये बेस कहलाएगा ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसको करेंगे दोस्तों तो काफी आसान है, चलेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें चलेंगे Q, यहाँ पर Q R T में चल सकते हो, या R R Q T में भी चल सकते हो, R Q T में चलेंगे, R Q T में चलेंगे, तो इसमें चलेंगे। देखिए तो एक चीज और हमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर लिखेंगे क्यूआर का स्क्वायर इक्वल, इन जनरल में लिख रहा है, जनरल वर्ड में लिख रहा है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आरटी का स्क्वायर प्लस यहां पर क्यूटी का स्क्वायर, इज इट क्लियर। यहां पर देखिएगा क्यूआर क्या दिया हुआ, क्यूआर दिया 17, यानी कि 17 का स्क्वायर इक्वल टू आर टी, आर टी तो नहीं दिया हो तो ये तो आपको गेन करना है, ठीक है, क्यू टी, क्यू टी क्या दिया हुआ 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। आप देखिए यहां से क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपको बनकर आ रहा है 289, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा इक्वल, आर टी तो नहीं दिया हुआ तो एज इट इज रहने दो, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इज इट क्लियर। यहां से क्या करेंगे देखिए, तो ये
प्लस में तो इधर लाएंगे माइनस में होगा 289 - 64 = RT, इज इट क्लियर? यहां से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नौ अब सब ट्रैक करो तो देखिए, तो यहाँ पर 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ये 2, यानी कि RT क्या यहाँ पर इस तरह से हुआ। अब स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, अब स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा रूट 225 = RT। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपको यहाँ से 15 आ जाएगा, यानी कि RT क्या गेन हुआ 15, यानी कि जो RT इक्वल 15 सेंटीमीटर यहां से गेन हुआ, ठीक है ना? यहां से RT इक्वल 15 सेंटीमीटर यहां से गेन हो गया दोस्तों, समझिएगा ये कितना आया 15 सेंटीमीटर। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल सा हम एरिया निकाल सकते हैं। देखिए एरिया कैसे निकलेगा PQRS का, ट्रेपेजियम का, अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया अगर सम कर देता हूं तो आसानी से गेन हो जाएगा, समझ में आया? तो देखिए उसी तरह से करेंगे। नौ देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS, ठीक है ना? PQRS को क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये तो अब दिख रहा है रिटेंगल फॉर्म है, तो निकालेंगे यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ रिटेंगल, एरिया ऑफ रिटेंगल किसका लिखेंगे, PT, यहां पर PTRS, PTRS प्लस यहां पर लिखेंगे सेकेंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका लिखेंगे, यहां पर देखिएगा ट्राइंगल लिखेंगे RQT, इज इट क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल RQT का। अब देखिए दोनों के एरिया को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है? तो एरिया इसका निकालेंगे, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि कह सकते हैं सिंपल सा PQ, यहां पर PT कह सकते हैं, PT इनटू क्या लिख सकते हैं यहां पर RT इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, यहां पर प्लस होगा प्लस। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि बेस क्या लेंगे QT, यहां पर लेंगे QT प्लस यहां पर देख सकते हैं QT इंटू यहां पर हाइट क्या हो जाएगा RT हाइट हो जाएगा RT। अब देखिए यहां पर लिखेंगे PT क्या दिया होगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई RT क्या दिया हुआ 15 सेंटीमीटर प्लस 1/2 बेस की, देखिए यहां पर बेस QT क्या दिया हुआ QT 8 सेंटीमीटर इंटू RT क्या दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, कैंसिल करते हैं तो देखिएगा ये आपको कैंसिल करेंगे, यहां पर सिंपल 2 4 जा 8 ये इस तरह से आया, फिर ये आपको कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? यहां पर आ जाएगा प्लस, और देखिएगा ध्यान से ये आपको क्या आ जाएगा 4 × 15, यहां पर आ जाएगा 4 × 15, यानी कि 4 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ये आपको रिमेनिंग आया, ये आपको सिंपल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं मल्टीप्लाई फर्दर करूं, देखिएगा ध्यान से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाए, यहां पर मल्टीप्लाई करने पर ये इतना आया, आप देखे तो 0, 6 और 2, 8 और ये 1, यानी कि इतना स्क्वायर आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से आंसर गेन हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमें प्राप्त हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा पूरा आंसर। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS कितना आया 100, यहां पर हेंस करके लिख सकते हो आप, हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ PQRS इच 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, यही तो आपको आंसर हुआ, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।